हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बिहार में बन रहे या फिर बिहार से गुजरने वाले एक्सप्रेसवे के बारे में, जो बिहार के प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाला है। दोस्तों, आपने उत्तर प्रदेश और बहुत से राज्यों के बारे में सुना होगा कि नए नए एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं या फिर बन चुके हैं, लेकिन अब बिहार भी एक्सप्रेसवे के मामला में पीछे नहीं रहा। यहाँ भी अब ढेर सारे एक्सप्रेसवे या फिर ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो और आपके जिला से कौन सा एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। तो 5वें नंबर पे है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, जो उत्तर प्रदेश बिहार के रास्ते पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा, जो बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया जिला से होकर गुजरेगा। ये एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड होगा, इसके साथ ही बाहरी गाड़ी जानवर आसानी से इस पर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ये एक्सप्रेसवे बिहार में कुल 159 किलोमीटर लंबा बनाई जा रही है। दूसरे नंबर पर है रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे से बहुत से उम्मीद लगाए जा रहे हैं, क्योंकि ये एक्सप्रेसवे बिहार के बहुत बड़े एरिया को कनेक्टिविटी प्रदान करने के साथ साथ हल्दिया पोर्ट से बिहार सामान लाने और ले जाने में बहुत सुविधा होगा और इसके साथ ही समय भी बचेगा। इसके बनने के बाद रक्सौल से सामान जो भेजा जाता है उसे भी भेजने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 650 किलोमीटर की है। ये एक्सप्रेसवे 6 लेन ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनेगा और ये बिहार के रक्सौल क्षेत्र को तो विकसित करेगा ही, साथ में बिहार के बहुत से जिले को पश्चिम बंगाल और झारखंड से अच्छी कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। तीसरे नंबर पे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे के बनने के बाद जहां 15 घंटा तक लग जाता था गोरखपुर से सिलीगुड़ी जाने में, उसका दूरी ये महज 8 घंटे में पूरा कर देगा। ये एक्सप्रेसवे उत्तर बिहार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसके बनने के बाद यहां पर औद्योगिक विकास भी अच्छे से होगा। इस एक्सप्रेसवे को बनने में खास बात ये आ रही है कि इस एक्सप्रेसवे की भूमि अधिग्रहण में कोई समस्या ज्यादा नहीं आ रही है। ये एक्सप्रेसवे बिहार के पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज होते हुए पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक जाएगी। इस एक्सप्रेसवे का ज्यादातर हिस्सा लगभग 416 किलोमीटर बिहार में ही बन रहा है। इसके अलावा ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में 84 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 18 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा। दूसरे नंबर पर है पटना आरा बक्सर 4 लेन एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे बिहार के राजधानी पटना को उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम करेगा। इस एक्सप्रेसवे का काम पहले ही शुरू हो चुका है। वहीं इस एक्सप्रेसवे को पटना से आगे भागलपुर तक ले जाने की बात चल रही है। वहीं पहले नंबर पर है आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे। इस एक्सप्रेसवे की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है, जो बिहार के 8 जिलों के साथ बिहार के तीनों एक्सप्रेसवे यानी कि गया, पटना और दरभंगा को जोड़ने का काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे 4 लेन का बनेगा, जो 189 किलोमीटर लंबा होगा। ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद के आमस से अरवल, जहानाबाद, पटना, वैशाली, हाजीपुर समेत दरभंगा तक जाएगा, जिसे बाद में मधुबनी जिले के जयनगर तक ले जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा और भी एक्सप्रेसवे बिहार में बनाए जा रहे हैं, जैसे कि पटना बेतिया एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे 167 किलोमीटर लंबा होगा, जो बिहार के राजधानी पटना को बेतिया से कनेक्ट करेगा। अगला है पटना आरा सासाराम एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे ग्रीन फील्ड होगा, जो 118 किलोमीटर लंबा बनेगा। ये एक्सप्रेसवे कंप्लीट होने के बाद पटना से आरा और रोहतास का कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा सुविधाजनक कर देगा। इसके अलावा बिहार का बहुप्रतीक्षित पटना रिंग रोड भी बनने वाला है, जो बिहार के राजधानी से दूसरे जिले को अच्छे से कनेक्टिविटी देने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि 140 किलोमीटर पटना के आउटर से रिंग रोड बनाया जाएगा, जिसके बाद बिहार के अन्य जिलों के लोग बिना पटना शहर में प्रवेश किए हुए आप पटना से गुजर सकते हैं, जो जाम से आपको बचाएगा, जिससे आपका समय और ऊर्जा की बचत होगी। इसके अलावा पटना के विदुपुर से कच्ची दरगाह के लिए गंगा पर 6 लेन ब्रिज तैयार हो रहा है। अगला है मुंगेर मिर्जापुर चौकी एक्सप्रेसवे, जो मुंगेर के झारखंड से साहिबगंज जिले के मिर्जा चौकी के बीच बनाया जाएगा। अंतिम है बाकरपुर डुमरिया घाट एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे पटना को गोपालगंज से कनेक्टिविटी देगा।
जो कि 192 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इन सभी एक्सप्रेसवे के बनने के बाद सबसे बड़ी समस्या जो है बिहार में, जाम से मुक्ति मिलेगी। इसके साथ ही समय की भी बचत होगी, जिससे बिहार के लोगों को बहुत कम समय में बिहार के एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने में आसानी होगी और माल की आवाजाही में भी तेजी होगी, जिससे व्यापारिक गतिविधि बढ़ेगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।